प्लीज सिट डाउन, प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाइए आप लोग अपने स्थान पर, प्लीज प्लीज सिट डाउन। शाहरुख एक बार जरा हाथ हिलाइए। वेलकम, आप सभी का अगेन स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम कि पूरे स्टार कास्ट यहां मौजूद है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकता हूं मैं, ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर भी जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस बात को इस्तकबाल कर रहे होंगे। जरा एक मिनट मॉनिटर देना, जरा मॉनिटर। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच, बधाई हो। और जितने लोग यहां पर मौजूद हैं वो सब इस बात को मानते होंगे। एक बार 16 ताली हो जाए पीछे तक गाइस, एक बार हाथ ऊपर करके कमान 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 कमान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। एंड थैंक यू वेरी मच। एक पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड आई वांट टू थैंक अनुराग फॉर हेल्पिंग अस आउट विद दिस एंड मेकिंग श्योर दैट वी हैव अ गुड इंटरेक्शन, आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें। एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हेयर, आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिम्पल जी, आशुतोष, ऑल ऑफ देम, आई वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू फॉर द लव दैट यू ऑल हैव गिवन द फिल्म पठान। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं प्लीज चुप हो जाए। मैंने अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। क्या बात, बट क्या बात। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, वी हैव नॉट मेट अप विद द मीडिया, इट्स नॉट दैट। द फिल्म वॉज शॉट ड्यूरिंग कोविड, बाय द टाइम वी फिनिश्ड इट, सबसे ज्यादा ऑफकोर्स सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है, सारे बच्चे हैं, Adi and the production team had working very hard, but we also, because the film entails so much work, hum bhi usi mein lage hue the, to kisi se mukhatib nahi ho sake, mil nahi sake, but somewhere down the line, we are all the same team, cinema, media, radio, television, social media, and everybody has shown so much kindness to the film. I know everybody is not here, but all of us again are extremely grateful. First to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides, and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. So bahut bahut aap sab ka dhanyawad. Ab hum sawal jawab karenge, har bari 5-7-10 log hi chillana, so that we can hear the answers, kyunki between you and me sabse acche answers Siddharth ne prepare kiye aaj ke liye. Siddharth aaj shave karke bhi aaye hain, aur मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं। बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल, हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे। जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज। और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है,
हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का, तो हम वो करते रहे। आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा। So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it. And I want to thank Manan and the whole Yash Raj team for marketing, for being so kind. And everybody, there are a lot of thanks to be said to lots of people. Anurag, I also love you very much. Thank you, Shahrukh. देख रहे हैं आप कितना जोश है। और एक बार फिर से पूरी टीम को, इन तमाम मीडिया वालों को congratulations, बधाई हो कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया। Thank you very much. और ये प्यार ऐसे ही बना रहे शाहरुख खान यशराज के साथ में, दीपिका के साथ में, जॉन के साथ में, ये प्यार ये मोहब्बत है। बहुत शाहरुख हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करता हूँ प्यार पाने के लिए, मैं बच्चों की तरह हूँ, आप मुझे बच्चों की तरह प्यार से रखेंगे मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। और वाकई शाहरुख ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यशराज फिल्म्स की हमेशा ये खास बात रही है कि वो शाहरुख खान को हमेशा बिल्कुल प्यार से रखते हैं। और इतनी बड़ी फिल्म देखने के लिए, और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 100 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जो पठान ने बनाया है, इसलिए बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले शाहरुख आपसे शुरू करता हूं मैं कि 4 साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इन 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? द 4 इयर्स दैट आई डिड नॉट, मतलब 2 साल, बिकॉज 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में। आई थिंक हैव सम गुड पार्ट्स एंड हैव सम बैड पार्ट्स लाइक इन ऑल आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ कोविड, एंड मेरे लिए भी वैसा ही था। तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया, आई वॉन्टेड टू बी विद द चिल्ड्रन। तो अच्छी बात यह थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका, आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, एंड आई कुड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया। मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूंगा, उसका नाम रखूंगा रेड चिलीज फूड ईटरी। तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया। अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा इनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे। सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर 10 डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज इसको पिज्जा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा। सो ये अच्छी बातें हुई। बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे। अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी। जॉन इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर। एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिड रिक्वेस्टेड हिम, एंड वॉज वेरी काइंड। फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मैंने वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया। सो हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, 2-4 सीन में मैं इसे किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था इन्हें। और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है। बट इट्स नाइस टू बी बैक। मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है, ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूँ। और जब मैं उसमें फेल होता हूँ, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म, इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म, बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज़न्ट वर्किंग and allow me to be a part of this film, I will ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika of course. Main usko grateful nahi kehta, mohabbat kam ho jati, but I just want to say to be part with friends and enjoy this film. Main wo 4 saal bhul gaya hu pichle 4 din ke andar. These 4 days are the happiest. And thanks to all of you, जो लोगों ने पिक्चर देखी है इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है। जोरदार ताली पूरी टीम के लिए, कमान। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे
में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान किसी कोने में हो या आंध्र किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को। और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उफ एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए। तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं। मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा ये दीपिका के लिए। दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं, कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे। आई नो, हाँ, पिज्जा खिलाया बहुत बार। वाओ, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, सो आई कुडंट हैव हिज पिज्जास टू ऑफन, बट या ही इज अ गुड सिंगर। तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं, या आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, कभी आपको गा के सुनाया? जैसे अभी गा के सुनाया ना, वो तो हम लोग इसलिए सुनाया। आंखों में तेरी अजब सी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसे तेरी वो हवाएं हैं। वेरी गुड, वाह 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 वाह। दीपिका तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की, कैसा फील कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली सबके करियर्स की सबसे बड़ी फिल्म है यार। मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ धीरे-धीरे। ये तो सबके लिए है, but to be honest, I don't think we set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions. And most importantly, I think we had a good time. This is something Shah Rukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think roz jab hum set pe jaate hain aur logon ke sath kaam karne ka mauka milta hai jinko aap pyar karte ho, aur there's no tension, there's no, it's such a lovely atmosphere to work in. And I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives, that was the intention. It was pure, and I think that's what we're seeing today. Wow, kya baat hai. इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जिम, क्या बात है यार। तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया का, इतना हैंडसम, धूम मचा ले, कम ऑन यू पीपल। सबके लिए गाना करूंगा जी, आ रहा सबके लिए, तेरी बारी भी आने। जॉन माइक्रोफोन लीजिए। तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल, मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको, क्या बोला गया था? नहीं पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा, सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज, जो आदमी यहाँ पे नहीं है, आदित्य चोपड़ा, मैं आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं, जैसे धूम में, न्यूयॉर्क में, और आज पठान में, आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट। उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग मी and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So, Lolly, congratulations. Oh, Sid ka pet name hai, Lolly. Okay. Aur very important, mujhe Shah Rukh ke saath kaam karne ka mauka mila. We all say Shah Rukh today is, I don't think he's an actor anymore, he's an emotion. काम कर चुका हूँ पहले, बट सीइंग हर ग्रोथ ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी, जो मैंने कहा भी, वंडरफुल पर्सन। तो पहले तो, और इसके अलावा, सॉरी आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक अ फ्यू पीपल इफ इट्स ओके, हमारे जो एडिटर है आरिफ, हमारे राइटर अब्बास, हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन, सचित जो हमारे कैमरामैन है, रजत जो हमारे प्रोडक्शन, सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमेटोग्राफर है,
और संचित हमारे जो BGM है, आई थिंक यू विल ऑल एंजॉय द BGM इन दिस फिल्म, आउटस्टैंडिंग. विशाल शेखर हु हैज गिवन टू फैंटास्टिक सॉन्ग्स विदाउट मी, बट फैंटास्टिक सॉन्ग्स. एंड यू नो व्हेन यू सी दोस सॉन्ग्स एंड यू सी शाहरुख एंड दीपिका, आई थिंक यू सी प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन दैट सॉन्ग. द ब्यूटिफुल, सो कंग्रेचुलेशंस. So I think Idko or and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yashraj, jis tarike se ne, you know, is film ko mount kiya hai, I think that's very important. You know, a producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shah Rukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say main socha tha ki main action hero, but I think Shah Rukh is today the number one action hero in the country. Yeah. So it's just a nice gathering here. Mujhe pata nahi ye hamari life ka, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. Ye mere liye bahut zaruri tha. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb, superb. And all Shah Rukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans, I love you, all of you, I love you all. You have been fantastic. So I think I've covered most of. वेरी गुड. प्रोड्यूसर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने. नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आदित्य चोपड़ा इज अ लिटिल लाइक आई बिलीव लाइक मी, बिकॉज आई लाइक बीइंग प्राइवेट, और वो बहुत ही प्राइवेट आदमी. आई थिंक शाहरुख नोज हिम द बेस्ट. ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ, ही डजंट कम आउट इन द मीडिया. तो उनको थैंक यू कहना बहुत जरूरी था. ही इज रियली वेरी फैंटास्टिक. क्या बात है, मतलब पूरी टीम को लाना, एक साथ बनाना, और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार तालियां चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने को सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं. पीछे से आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना आप? करेंगे इसके बाद. ओके, तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे 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 मैसेजेस आने लगे, लोगों के रिएक्शन अलग, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार, मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग इट, ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 डेज बिफोर द रिलीज, दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? मतलब मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा? और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर मैं गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 12:45 बजे उठा हूँ हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे आई थिंक 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक 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 शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते हैं तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते हैं, बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ? ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसे ना सुबह सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. okay. मैं भी उठ गया. हाँ. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा. मैं तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ. मैं हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाव पे कहूंगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट सन्क इन. अभी तक हमको ये
एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, ऑल द मीडिया, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से द पावर्स दैट बी, बिकॉज देर टाइम्स वेन वी हैड टू मेक कॉल्स टू पीपल एंड से कि प्लीज़ हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, एंड दे ऑल टुक चार्ज ऑफ इट एंड वी वर सो हैप्पी दैट द फिल्म वॉज रिलीज विद सो मच. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात यह होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चला, मेरे को लगता है दो चार सीटें तो तोड़ी होंगी, बट स्टिल इट शुड नॉट हर्ट एनीवन, इट शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन, बिकॉज फिल्म वॉचिंग, फिल्म मेकिंग, फिल्म एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट. सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज हेल्प्ड अस आउट विदाउट मेकिंग इट अ बिग थिंग. Just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world. Because film ka aur kuch kaam nahi hota, choti si cheez hoti hai yaar. Actually, film mein kuch badi cheez nahi hai. Entertainment hai, khushi ka ek zariya hai. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, aur na bhi achhi lage, to koi baat nahi. Har tarah ki cheezein aati hain, achhi aur buri. But I think there should be a lot of happiness and love when parents, children. Families go to watch films in cinema theaters. Boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters. They should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice and I'm so happy it's happened. I love you too. Main bhi shuru kar raha hu dating services ke baad. Next weekend se sab apne telephone number bhej dena. I'll be there. Happy New Year to you too. सिर्फ प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी दो भाई. मंडा बंडी. शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहां जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ओटीटी ये वो बहुत सारे होते थे. शाहरुख ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा. अगर आप अपने परिवार के साथ मजे करने जाना चाहते हैं, आप जाइए किसी, आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, इंजॉय कीजिए. उसमें से 2-3 घंटे हमारे लिए भी रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए. लेकिन कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा. और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद, 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूं जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज रिपीट की, इसलिए कंग्रेचुलेशंस. शाहरुख कैसा लगता है, अभी मैं देख रहा था कल या परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हजारों लाखों की जनता वहाँ मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे. कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट. एंड मुझे थैंक यू. मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं. अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स. लाइफ इज लाइक दैट, इट इज मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज. तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर. उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं. एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं. सो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ. कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे हमेशा उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है. ₹500 करोड़ पूरे. अच्छा एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को उसके. अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे. ये अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगेगा.
दीपिका गेटी गैलेक्सी गई थी आप और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूँ जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत इमोशनल हैं, तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में इतनी पब्लिक, इतना क्या क्या रिएक्शन था आपका उस समय? ओह मैंने कहा था ना देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी की है सबकोर्स. It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है इतने दिनों से, मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे बट फाइनली बाहर जाने को मिला. और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ, बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, स्पेशली आई थिंक वॉट द वर्ल्ड हैज बिन थ्रू, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration, it almost feels like a festival ki kuch tyohar hai. Yes. And the fact that we've been able to, it, you know, this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. It feels incredible. And most importantly, jaise maine kaha, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going, and when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. Kya baat hai Deepika, abhi kis baat mein aap emotional ho gayi thi, zara bataiye kaise ye khushi ke aansu kis baat ke the, are kaun si baat lag gayi aapko, please share kijiye. Are zaruri hai, hazaron log jana cha rahe hain, koi si baat to aapke dil ko touch ki, bolo na. शाहरुख के साथ जितनी भी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी, जैसे आप पर्दे पर आती हैं जब आप फाइट भी कर रही थी तो उफ, लोगों ने इतनी तालियां बजाई ना. यस, तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की इनसे, है ना? तो इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए कैसी रही ओवरऑल, क्योंकि अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है ना कि आप जब जोड़े में होते हो प्यार होता अलग किस्म को होता है केमिस्ट्री, इस बार कुछ अलग था. और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं, ध्यान रखिएगा. तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? वेल आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग दैट वी गॉट टू डू that you still, the chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathaan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year or now, or even Love Mera Hit Hit, that one song. Yes. That we did. I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shah Rukh Khan and his vision for me. And even then, in my first movie, mujhe kuch nahi pata tha. I'd never been on a film set, but to shower me with so much love and grace. He's given me confidence. I don't think even he knows that. I do what I do with confidence because I know he'll always be there for me. And I think it's that relationship that eventually translates on screen and you see these amazing characters and this amazing chemistry. Kya baat hai. Aur Deepika ko pata tha jab wo bolegi na, दीपिका को, दीपिका 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 दीपिका. ओके बस अब मैं ही लूंगा उसका नाम, प्लीज. थैंक यू गाइस. और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती है पठान, आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा दौड़ा वापस चलाऊंगा उसके पास. ही नोज डीप डाउन इनसाइड. And I just want to mention a small thing here. Sorry, I don't mean to take away time of everyone on stage. Lekin is film ke dauran ek bahut special cheez thi. Adi mere bahut purane dost hain.
सिड को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी हैं, ममता. जॉन, लाइक आई सेड, आई हैव नोन दीपिका, बट आई टेल यू व्हाट आई फेल्ट ऑन द सेट, बिकॉज आई वॉज कमिंग ऑन द सेट्स आफ्टर मेनी ईयर्स, अ कपल ऑफ ईयर्स और मोर देन दैट, एंड एवरी शॉट दैट वी हैव गिवन, इवन बिफोर वी हैव वॉक्ड इन हियर फ्रॉम बैक स्टेज, आई नो इन एवरीबडीज हार्ट दैट इज दीपिका, जॉन, सिड, ऑल द पीपल, आदि, ममता, एवरी वन हुज इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, द टेक्नीशियंस, सबको हर रोज सिर्फ एक ही बात दिल में आती थी कि यार ये फिल्म शाहरुख भाई के लिए अच्छी हो. और दीपिका शाहरुख भाई नहीं बोलती, जस्ट क्लैरिफाइंग, ऐसा कभी गलत कुछ नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज हम इतनी फिल्में करने लगे तो भाई बहन ना लग समझने लगे हमको, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. बट एवरीबडी एल्स आई नो हैज फेल्ट दिस, आई कुड फील इट एवरी डे, वेदर आई वॉज वर्किंग विद इवन सम फॉरेन टेक्नीशियंस, समहाउ दे ऑल्सो रियलाइज. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल for all the love all these beautiful friends of mine and their families have given me, because I was also low on confidence. aisa nahi hai ki shahrukh khan bada acha bolta hai stage pe to confident hi hoga. I'm very proud to say I get scared sometimes, I feel sad sometimes, I lose confidence many a times in a day, and that's why I keep going, because the weaker you are the stronger you can become. But these are the people, all of them give me lot of strength and love. aap kya karte hain motivation ke liye? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर, बोले कि हम शाहरुख की फिल्में देख लेते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, लेकिन शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं? मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ. जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, टंग 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 टंग. अच्छा सिड, यू कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म प्लीज नेक्स्ट टाइम. आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे. सिद्धार्थ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगली फिल्म में आपको जी, समझ रहे हैं ना आप, ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो अपने आप में हैं, यूनिक हैं. सबसे पहली बात तो ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सब की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए. फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार ताली पठान के लिए. सबसे हाईएस्ट फास्ट, मतलब फास्ट 200 करोड़ इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. 250 करोड़ जोरदार ताली होनी चाहिए. और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट, तेज, फास्ट अगर किसी ने बनाया हो वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था. हाय, मेरे पड़ोस में 3-4 कन्याएं बैठी थी तो बोले अरे देखो ना, तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे, क्या लगा आपको? नहीं सिद्धार्थ, नहीं आपसे जी. पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी, जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में, वाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे जी, 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 उसी की बात कर रहा हूँ मैं. आइकॉनिक वाइट शॉर्ट्स. ममता यहाँ पे है. ममता, थैंक यू सो मच. ममता, ममता जी हाथ लगाइए. आज फाइटर के प्रोड्यूसर है एंड शी जो भी सारे, जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, डिड यू लाइक द एक्शन? तो एक्शन शॉट्स के बीच में शाहरुख और मैं वी यूज़ टू हैव टी, हेलो जॉन, हाउ आर यू, आई मेक टू बूम 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 बूम, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन, वी हैड अ ग्रेट टाइम. तो इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, आई थिंक, एंड द वे शाहरुख एंड दीपिका ऑल्सो हैव बीन स्टाइल्ड बाय शलीना, आउटस्टैंडिंग. तो I think credit to all these people for making the film look so good. मैं सबको thank you कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक मौका है मेरे पास. I know John, समझ रहा हूँ कि producer काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं. शाहरुख, नहीं मैं. John, if you do more interviews, then you can say more thank yous. So I want to say one thing, which I'm not saying it because मैं age में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और John से. हो सकता है मेरा experience ज़्यादा हो, because मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चरों में. Sir, I just want to say, so it should not sound patronizing, but I'm talking as an audience. I genuinely feel, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, but जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं. But I really do believe the backbone of Pathan as a character, as an actor and essaying that role,
The best thing in Pathaan is Jim played by John. Yeah. दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है. निक्कर बस पहन लो हो जाएगा, तो वो भी अच्छा होता है. एंड यू नो टू प्ले अ बैड गाय हु इज सो, नॉर्मली बैड गाइज जब लोग प्ले करते हैं तो सिर्फ शक्लें बनाते रहते हैं. But to be rightly bad and to just take a cynical viewpoint of the world, and obviously the director, the writers, everybody has justified the character, but to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody ki mujhe gina chuna hi action aata hai. Main bahut koshish karta hu, mehnat karta hu, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. Ye bar bar rehearsal karte the to mujhe aisa lagta tha ki ye seekhna chahta hai. तीन दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Oh, lovely shot. Siddharth, मतलब that's the romance. That's the real romance. Bromance. हैं कहीं पर लेकिन धाड़ भेज रहे हैं. अच्छा, जस्ट वन करेक्शन, शाहरुख खान इज नॉट बैक, ही हैड जस्ट गॉन फॉर अ लू ब्रेक, ही इज ऑलवेज देयर. सिद्धार्थ, आप तो नंबर वन डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. या हो चुके हैं, हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जोरदार तालियां चाहिए. आप बोले ना बोले, अच्छा नहीं, वो आप बोल सकती है. देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, एक्चुअली सुनाई नहीं दे मुझे. नंबर वन हीरो ने क्या बोला है? नंबर वन हीरो ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है. क्या नाम है, पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको. बहुत प्यार से मुझे नंबर वन डायरेक्टर बोलते हैं. तो नंबर वन डायरेक्टर, प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सिक्वेंस था ये बहुत ही यूनिक था, और आई थिंक हिंदुस्तान, मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के भाई इस फिल्म में, भाई इस फिल्म में, जी इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे, मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे जी. तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था कि यार फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहां पे जॉन और शाहरुख हो? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटेगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2-3 बार 5 दिन में देखने के लिए. ऐसा ज़्यादातर एक्शन फिल्म्स में होता नहीं है, बट आप में से सब किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने 2 बार देखी होगी पिक्चर. देख लो भाई, मैंने भी 2 बार देखी है. तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाएं, एक्शन बड़ा तो होगा बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना ज़रूरी है, जो हमने किया, काफ़ी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप इतना एंजॉय कर पा रहे हैं. वरना एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद. एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मज़ा आया शूट करने में एंड ऑडियंस को देखने में. क्या बात, स्क्रिप्टिंग यस एक्शन में पहली बार शायद हिंदुस्तान के. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल, बिकॉज ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाई हैं, स्पेशली सिद्धार्थ एंड जॉन, ज़्यादा बातें नहीं करते. बट ऑनेस्टली स्पेशली विद दीपिका एंड माई सेल्फ एंड जॉन ऑल्सो, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनजर रखते हैं. आई थिंक ही इज एंड एक जो सेट के ऊपर खुशी का माहौल रखते हैं, इट नेवर लुक्स लाइक, बिकॉज वेन यू आर डूइंग स्टंट्स विच वी हैवंट डन एंड वी हैव वी आर स्केयर्ड टू डू इट फर्स्ट टाइम आफ्टर रिहर्सल ऑल्सो, तो डर तो लगता ही है. लेकिन द वे सिद्धार्थ कीप्स द एटमोसफेयर, यू बिकम सो रिलैक्सड ऑन द सेट्स. आई नो जॉन इज यूज टू डूइंग इट, मे बी दीपिका एंड माई सेल्फ हैव डन दिस लेवल फर्स्ट टाइम, बट द वे सिद्धार्थ ट्रीटेड अस ऑन द सेट, उससे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये हम बड़े आराम से कर लेंगे. इवन इफ इट गोज रॉन्ग, द वे ही ब्रिंग्स इट बैक विदाउट क्रिएटिंग टेंशन, आई थिंक हिज बिगेस्ट, ऑफकोर्स ही इज मेड लव स्टोरीज, ही इज मेड एक्शन फिल्म, and inshallah he'll make dramas. War was a drama actually. There were so many wonderful genres that he can conquer as a director, but the way he keeps action easy and fluid and happy on the sets is absolutely marvelous and fantastic, jo atmosphere set pe karte hain. So lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets, ki action ko kis tarah se ye treat karte hain
with goodness and happiness on the set. क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है. सक्सेस हमेशा, सफलता जो होती है कई लोगों के दिमाग खराब कर देती है, कई लोगों को पागल बना देती है, लेकिन हमेशा सक्सेस के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो दौड़ते नहीं है, सिर्फ अपना काम करते हैं. मैंने अधिकतर शाहरुख के इंटरव्यू में सुना ही बात, क्या भूख है भाई ये, ऐसा लगता है कि यार और काम करना है. ऐसा नहीं है यार कि मैं एरोगेंट नहीं हूं. प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना. आई एम द बेस्ट. वो तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है. शाहरुख नई बात कीजिए, आप तो हैं बेस्ट. नहीं, मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूं, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूं लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूं और बदतमीज हूं. मैं नहीं हूं. सुबह यही सोचकर हमको उठना है. Yes. कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे. अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे. सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट एवरीबॉडी इज बेटर देन यू. यू हैव टू वेक अप विद द कॉन्फिडेंस कि आई एम द बेस्ट टुडे एंड आई विल डू माय बेस्ट, देन यू सक्सीड. सो दैट्स व्हाई आई से आई एम द बेस्ट, नॉट बिकॉज आई रियली बिलीव आई एम द बेस्ट. एंड सक्सेस के पीछे बहुत लोग होते हैं, और आज हम जेन्युइनली, मैं, it should not become boring because we are entertainers, but there's so many people to thank, like John talked about so many people, Shalina, and the teams, and I would take a moment to tell Deepika also, our personal teams who have been so loving and helpful through this, Arun, Raj, Ravi, Bengali, Sudhir, Pooja, they've worked so hard on each one of us, and kyunki na unit bahut chota tha, kyunki COVID mein film shoot hui hai, we kept it very small. So it became very, very important. जो हमारे लोग हैं, they enjoy the film as much. They're not just working on a film. And I think everybody's emotions have come into it and helped us. And Deepika, you should also mention all your people because इसके बहुत Hollywood type लोग हैं साथ में, तो मैं उनके नाम याद नहीं करता. Half our people are the same, but Shalina, who's done the styling for both of us, Mamta, who's done John's styling. Anil Chinnappa, who never likes to be seen anywhere, but we've been working together for as long as I've been a model, 15 years. Yani Sapatori, who's also I've been working with now for the last many, many years. This is in fact his first movie, guys, so give him a round of applause. Sanu, who has been with me from the start of my career. Vishal, who's also been with me from the start of my career. Jalal, who's a star himself, everyone knows him. Everyone at Collective, Vijay, Anjali, Tina, Jaya. It's endless, guys. It's a long, long list of people. But I think the point being that... Sorry. No, you say it first. No, I think the point being that the actors and the director and the producers always walk away with all the credit. And that's the reason at the end of a movie, you always sit and wait till the credits are over, because every single person, even your van driver, who's responsible for making sure your van reaches there so that you can get ready, the generator person, the first person who comes and puts that light on every morning so that you can go and shoot, right? And that's why I think it's so important to sit there and watch all of these credits in respect for all of the work that has gone in. We walk away with all of the credit, everyone saying we look amazing and this film is amazing, but none of it would have been possible without all of these incredible people. Kya baat. Also, Meenakshi, Venki, Peru, but, Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shah Rukh. She, first day she wore a t-shirt for him, "You're my favorite." So I was like, she's blushing. And she said, "You destroyed my idea of romance." Because, and he smiled with his two dimples and she just nearly fell down. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. दीपिका, यशराज के साथ अपने आप में बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे भी सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना. यशराज के बारे में कुछ बताइए, कैसा रिलेशन रहा, और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी, और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं. कहते हैं ना, एक और एक दो बने तो क्या बने, एक और एक 11 बने तो सब कुछ बने. ऐसे ही ऐसे बोल दिया. आई मीन, बहुत अच्छी लाइन है. थैंक यू, वेल डन. बोल दिया रात भर प्रिपेयर की थी ना, अभी निकल गया.
जी as a complete outsider when I just entered the film industry and it can only be a dream that one day you will be presented by Yashraj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done three or four films with Yashraj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yashraj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. Kiska? Acha. देखिए भाई, मेरे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा है। घबराइएगा मत, आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज आप क्वेश्चंस देते रहिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए शाहरुख में वही से पूछ रहा हूँ लगातार। जॉन, एक बहुत ही कमाल क्वेश्चन आया है कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी जिंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा, कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना और खासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड के ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही सो गुड इन एक्शन, सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो नो नो, और मैंने कहा एक्चुअली आई सेड यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू, सो बिकॉज क्योंकि मुझे डर लग रहा था इफ there is some slight contact also, there must be I think about shayad 100 crore Shahrukh Khan fans. So I but all in all he was fantastic in action, or very confident, brilliant. So action superstar ko dekhte hue kaisa laga aapko? You know, this is actually the most underrated quality, one of the most underrated Correct. Qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action, and he does it so well. And it does, you know, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind of like just his space and surroundings is something that I think all of us as actors have learned from him. Kya baat hai शाहरुख, क्या खाते हैं आप? ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर कोई तारीफ करता है। मेरा पास्ता, इसका मेरा पास्ता। जॉन एक पास्ता बनाता है। अच्छा, और आप उनको पिज्जा खिलाते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है बोल नहीं सका। आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूँ कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे प्लीज, बहुत ही अलग सा टेस्ट है। अच्छा, हाँ, ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा है और निकाल के चबाना शुरू कर दिया, बहुत ही अलग सा है। एंड दैट्स ऑल ही ईट्स, दैट्स ऑल ही ईट्स, पास्ता पास्ता पास्ता, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड। सिद्धार्थ, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे, लेकिन पहली बार मैं देख रहा था, मुझे 2 या 3 सेकंड के लिए मैं भूल ही गया था कि कौन सी फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया चीज चल रहा था, इतनी बढ़िया सीक्वेंस है। तो अब क्या है, मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद? जी, बॉलीवुड में। हाँ, बता दीजिए। अरे बता दीजिए, पठान आई है, पठान हिट हुई है, तो उसके बाद क्या बनाएंगे? अरे इंशाल्लाह। शाहरुख, क्या बोलना चाहेंगे, जनता कुछ कह रही है? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स यार, इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत बड़े दिन हैं ये, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की जिंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या, सारी फैमिलीज जो है उनके साथ, कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, अलहदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं, दे गेट टुगेदर।
So it's wrong at times, but good days permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi. And you see, these are my co-actors and friends, so to opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better, aur is baar main baal yahan tak ugalunga. And I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes as a director and Adi produces and all the writers. And ki hum khare utre. See, actually, because hume maloom hai Siddharth jo hai, bahut pyare insaan hai. प्रेम से हम इन सबको हम इन्हें बोलूं मैं गाना गाता हूं जी जी लॉली लॉली हम सब का दिल तुझ पे आया लॉली मैं चढ़ जाता कहीं पे लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू हिम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू टू आदि एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट इफ दे एवर वांट टू मेक अ सीक्वल विद मी it will be my honor. It will be I will try my best again as I tried in this film and it turned out okay. Pathaan film 100 crore ke lagbhag hone ja rahi hai and jitne log yahan par maujood hain sabne messages bheje hain bahut sare calls aa rahe hain 100 crore ek theater mein bol rahe ho ओके सिद्धार्थ तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले जैसा आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं कूल रहते हैं फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी फैन क्लब इतने सारे वहां मौजूद थे तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना और उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में ये इतने फैन क्लब ये मेरे को मैं जब 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 अभी गाने लग गया था आई थिंक टू बी ऑनेस्ट वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से मतलब काफ़ी सालों से एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सकें या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के तब लायक तो अभी भी नहीं है बेटा वील टॉक तो एक होता है कि क्या करें एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई और मेरा एक हर फिल्मेकर का आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं And I think you have to earn a Shah Rukh Khan film. Every filmmaker has to earn it. And I think wo meri ek journey thi, jo maine puri ki, and that is when I got the gift to direct Shah Rukh Khan. Now, picture banne lagi. Like I said, mere paas kabhi by God's grace, main pehli picture ho, Salaam Namaste ho, ya kuch bhi ho, main bahut aaram se sota tha. Mujhe kuch टेंशन नहीं थी आई हैड नथिंग टू लूज इतना इन्वेस्टेड हूं मैं फिल्म में बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में तो हमने पिक्चर बनाई बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक बट पिक्चर के 2 महीने पहले आई रियलाइज्ड दैट डायरेक्टिंग शाहरुख खान इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट अ फिल्म मेकर आई थिंक दिस इज गोज आउट फॉर ऑल फिल्म मेकर्स हु डायरेक्ट हिम बिकॉज ही इज एक्चुअली लाइक क्ले इनको आप जो बोलो वो करेंगे विदाउट एनी लॉस ऑफ फेथ इन यू ही ट्रस्ट द डायरेक्टर सो मच सो थ्रू दैट आई रियलाइज दैट इफ बाय एनी चांस अ शाहरुख खान फिल्म डजंट परफॉर्म वेल इट इज ओनली द डायरेक्टर दैट हैज फेल्ड हिम Not him, because he has given everything that you asked for. True. क्या बात है? So, 2 महीने से बचे थे पिक्चर के and I just realized that the responsibility of Shahrukh Khan film because of his fan clubs. I just realized
वो उनसे कितना प्यार करते हैं। आई थिंक इसको बदल के हम कर दे वोट फॉर Yeah, so it's a, like I said, it's a responsibility and I realized इनके fan clubs इतने इतना प्यार करते हैं और कितना कितने बड़े fan clubs हैं वो देखिए। तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है एंड आई थिंक अब मैं रिलीव्ड हूँ, मेरे पास इमोशन ही नहीं बचा है कुछ। आई थिंक इतना डर, इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है और इतना। हमारा लास्ट दो महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान एंड सब ने हमें सपोर्ट किया और सब बड़े बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम थ्रू और मैं थोड़ा सा खरा उतरा हूं कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना सकूं। क्या बात है शाहरुख, ये शायद फिल्म से ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए, ये वाकई बहुत ही यूनिक है और एक बार बधाई देना चाहूंगा तमाम ऑडियंस को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं वॉर और एक था टाइगर की, भाई थर्ड ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, इतना जो प्यार दिया यशराज फिल्म्स ने। तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में भी काम करते हैं और दूसरों प्रोडक्शन में काम करते हैं, यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज्यादा ही नजर आता है। आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, मैं यश जी जब यशराज के हेड थे सो ही गेव मी टू मच लव। हमने डर से शुरुआत की, आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं और द मेन थिंग इज दैट आई बिलीव इन फिल्म मेकिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज फिल्म मेकर्स, एज अ टीम विच इज यशराज, नो गट्स नो ग्लोरी एंड सम ऑफ द बिगेस्ट गट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्ट बिलीव। चाहे वो अहेड ऑफ इट्स टाइम लम्हे थी यश जी की, चाहे वो सिलसिला थी, मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूँ, डर बोल दूँ, दिल तो पागल है बोल दूँ, बट आई कैन टेल यू ऑनेस्टली देर हैव बीन सम to me one of the greatest films they've made with me which did not do well at all is Fan, to take a chance, and Yashraj stands for taking chances and it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says are yaar inki wo film theek nahi thi. Of course none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj of course stems from Yash ji and Adi and Rani and Uday and Pam auntie and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and Take a Chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here. Some of the team members are here. People who've headed it, even in the post-release of the film, all of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to, I tell this to everybody, I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yashraj is like that. Yashraj, हमने दो फिल्मों का और नाम लिया यशराज फिल्म्स के दौरान ही। तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज्यादा चलती हैं, पठान तो मुझे लगता है कि 1,000-2,000 करोड़ हो गए। जी हाँ, 2,000 करोड़ तो होगी, हो तो मतलब समझे वाली बात है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है या कम थोड़ी सी नहीं चलती है, क्या फील करते हैं आप एग्जैक्टली, क्या मन स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर इन सबकी भी होगी इस वक्त। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज होती है, वेंसडे को ही,
तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज का एक नॉर्मल डे है. अभी हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज किया टीम ने कहा. बट मालूम है और करोड़ आ गए. क्वेश्चन आ रहे हैं सर, सर क्वेश्चन आ रहे हैं. इनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया. उन्होंने कहा फेंको. सर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, यू नो, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है. हम सबके अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की. लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को ख़राब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं. और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूँ. सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस. ऑफकोर्स दुख होता है, रोना भी आता है. मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूँ सबको मालूम है मैं रो रहा हूँ वहाँ पर. मुझे बहुत दुख होता है बिकॉज आई एम श्योर सिड हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज द यू नो कैप्टन ऑफ द शिप. He has been really, really kind to make this film for all of us. But as an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved with the film down, when my film doesn't do well. Because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just six people sitting here or the 10 who are not here. There are thousands of people related to one film being made. Thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूँ तो thousands बहुत सारे होंगे, और उन सब की जिंदगी के और दारो मदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है. एंड द एल्डेस्ट इन देम और द सीनियर मोस्ट लाइक myself नाउ यश राज और सिड इन दिस केस, वी ऑल फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, फील वेरी गिल्टी वी लेट द ऑडियंस डाउन. एंड इन संडे वी हैव टू पुल अप अ सॉक्स एंड से कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे. तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को इंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ. और सी यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं. अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के कि इससे बेहतर बनाएं. एंड इफ यू कांट डू इट यू शुड नॉट मेक फिल्म्स. दैट इज व्हाट आई बिलीव. इफ यू कांट डू दैट देन यू वर्क हार्ड ऑन मंडे. मतलब अगली फिल्म आ रही है शाहरुख की, वो भी डबल तिबल और जबरदस्त होने वाली है, ये वादा है. दीपिका, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में बहुत आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस से, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट पे काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यशराज की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है. नो, नॉट रियली. आई मीन, एवरी सीन रिक्वायर्स अ डिफरेंट इमोशन. सो वेदर यू आर डूइंग रोमांस, वेदर इट्स कॉमेडी, वेदर इट्स एक्शन. But I don't think many people know that I love doing action, and I have been underutilized in doing action. because I think it's my athletic background, because I've been an athlete. I have loved, I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowk to China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Xander Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action, and like I said earlier, action for me is like dance, it's a choreography. So you know, there's a lot of precision, especially when you're, you know, when it's two people or more, then you have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long, it's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus, you need to be centered, you need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful, you have to have, you know, safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my God, now I have to do action and like some different headspace. Action, romance, comedy, emotion, crying, it has to flow. मैं कोई बात, जो भी एक्शन की बात कर रहे हैं सब,
तो मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट नो इफ मेनी पीपल हैव सीन इट, आई थिंक वो ट्रेलर में भी है, एक आदमी के ये लिपट कर घुमा कर उसको नीचे गिरा के उस पर चढ़ कर उसको मारती हैं। मेरे साथ ऐसा कर ले बस, इतना प्यार है उसके अंदर, मैं तो आई एम जेलस ऑफ दैट गाय कि यार इतना इतने करीब से इतनी खूबसूरती से और उसके ऊपर बैठ के मैं तो कहूँ और मार और मार और मार। मैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द इफ आई मे से सो एंड इफ द वर्ड विल नॉट गेट बैंड, इट्स वन ऑफ द सेक्सीएस्ट फाइट सीन्स दैट आई हैव सीन, इट्स वंडरफुल। और बहुत कम लोगों को मालूम है मैंने फाइटर की कहानी सुनी है, फाइटर में ये फाइटर है, ऋतिक नहीं है। ऋतिक इज द रोमांटिक लीड, ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस लव एंड ब्यूटी एंड ग्रेटिट्यूड एंड गुडनेस, बट द एक्चुअल फाइटर इज दीपिक। मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी, फाइटर दीपिका पादुकोण इन एंड एज फाइटर जॉन फाइटर की बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं। तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है और यशराज में जैसे आपने कहा पहली धूम फिल्म तो कोई भूल नहीं सकता, उसमें भी बड़ा अच्छे सिक्वेंस थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने क्या एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, इसको निभाना है? आई थिंक जिम इज कूल, ही इज मुझसे रहा नहीं जा रहा दीपिका को तो मैंने बहुत किया है, जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ। सर अरे फोटो नहीं आया। मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता, जॉन बहुत प्राइवेट लड़का है, हम आराम से बाद में करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम ब्लशिंग। नहीं आई थिंक सॉरी आई फॉरगॉट 2-3 पीपल टू थैंक। तो शाहरुख के किसने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। अभी जॉन जॉन हाँ हाँ अभी जॉन फेस वॉश नहीं यूज़ करेगा। अभी फेस वॉश यूज़ नहीं करेगा। नहीं आई वुड लाइक टू आल्सो थैंक हुसैनी मेहरनोश और हमारी जो पूरी टीम VFX की टीम और प्रसाद गणेश। यार ये एक्सेप्टेंस स्पीच लग रहा है ऑस्कर्स का। नहीं सबको। और निशित जो हमारे DA है बेचारा, आई मीन ही वाज इन द डबिंग एंड ही वाज, बट योर किस वाज द बेस्ट। हाँ जिम के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, जिम जो कैरेक्टर मिला आपको तो उसके लिए क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यार जिम ये कैरेक्टर है? वेल आई थिंक इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल थे, ही हैज टू बी वेरी कूल, ही कांट प्ले विलन लाइक अ विलन एंड ही हैज टू बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड द राइटर फॉर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग द कैरेक्टर, क्योंकि मैं हमेशा आई ऑलवेज बिलीव एन एक्टर इज लाइक अ हॉर्स, द डायरेक्टर इज लाइक अ जॉकी। अगर आप घोड़े को ऑपोजिट डायरेक्शन में भगाओगे ना वो भागेगा। सो यू आर एज गुड अ बैड एज योर डायरेक्टर, दैट्स व्हाट आई बिलीव वेरी ऑनेस्टली, अनलेस यूर शाहरुख खान। सो आई थिंक सिद्धार्थ डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई रियली थैंक यू फॉर प्रोजेक्टिंग मी सो वेल। थैंक यू हिंदुस्तान। सिद्धार्थ व्हाट्स दैट लाइन व्हेन आशुतोष जी कॉल्स हिम यू आर अ मॉन्स्टर, क्या बोलता है जॉन उस वक्त एग्जैक्ट वन? जब वो When he tells him and he's on the screen. John says, हाँ. He says, मुझे पता नहीं था, what was it? अब क्या करें? हाँ, when, no, in the, हाँ. ओहो, ये तो मैंने सोचा नहीं. हाँ. I think the best line in the film is आशुतोष जी बोलते हैं इसको कि you are a monster. ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. I think it is the coolest line in the film. Oh, ye to maine ab kya kare? He says that you will be remembered as a monster. What is the line? It's not even the whole line. It's the oh. Soching tha ab kya kare? That is one of the best thing, best line in the film. 500 crore ki baatein chal rahi hai aur Pathan Hindustan ki sabse badi film ho chuki hai aur announcement ho chuka hai, sabka pyar hai, lekin Shahrukh maine suna aisa ki Adi Chopra se aapki bahut pehle baat hui thi ek aur unhone aapko promise kiya tha कि मैं एक्शन फिल्म करूंगा साथ में, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले आ गई, तो ये क्या था अंदर की बात क्या थी, कुछ बताइए ना, कुछ हुआ था ऐसा बात? जब हमने शुरुआत की थी हम डर शूट कर रहे थे जी, हम रात को पैमा आंटी, मैं, उदय, जूही आदि, हम सब बैठ के स्क्रैबल खेला करते थे बैकअप के बाद। एंड देन आदि का एक दिन बर्थडे था एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आदि बिकॉज उसकी शुरुआत थी, ही वॉज द चीफ AD ऑन द फिल्म एंड ही हैज़ अ वेरी गुड माइंड एंड बिकॉज आई थिंक हम उम्र भी थे, मुझसे छोटे हैं वो, लेकिन क्लोजर टू him than the other people in the unit. So he said, yaar main ek film banaunga. So on his birthday, he said, tu wo picture karega? I said, I'd love to do it. And then he narrated this, ki main action hero hun. Because main dar kar raha tha. Or maybe whatever. He says, ki no, ye karenge, aisa karenge. I said, main itna excited ho gaya.
फिर दो चार साल बीत गए, दो साल डेढ़ साल बीत गए, डर चल गई. उसके बाद मैं महबूब स्टूडियो में बैठा था, से मैं आ रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए. मैं कहा जा यार, बिकॉज मुझे कोई एक्शन फिल्म देता नहीं था. एंड आई रियली वॉन्टेड टू बी एन एक्शन हीरो ऑनेस्टली. मेरी लाइफ का ड्रीम था कि वाइट बनियान हो, मसल हो, थोड़ा सा ब्लड हो, हाथ में एक लड़की हो और बंदूक हो. ये मेरे को पोस्टर चाहिए था. तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूं, पहले गोली मारूं. हाँ, मुझसे कहे हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करूं गोली मारने के बाद. तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन. सो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन. हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम. मैं वायलेंस 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 आई डोंट लाइक वायलेंस. बट I really wanted to play an action hero, and then he came and narrated to me this film, and मैं बड़ा excited महबूब studio में ऐसा करके बैठा कि हाँ, and उसने मुझे film सुनाई. तुझे देखा तो ये जाना. मैं कि ये क्या है film? इसमें action कब आएगा? मैं सुनता रहा. मैं समझा कि शायद introduction में आएगा, शायद second half में होगा. End तक action ही नहीं था film के अंदर. मैं बाऊजी ठीक कहते हैं, बाऊजी ठीक कहते हैं, बाऊजी ठीक कहते हैं. बाऊजी की ऐसी तैसी, बाऊजी को मैं मारूंगा कब? मैं यार मैं रहा हूं यार, बाऊजी भी ठीक कह रहे हैं तो फिर मैं क्या करूंगा पिक्चर के अंदर. मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया. मैं यश जी को फोन किया. मैं कहा इसको क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक था मेरे साथ, औजार लोहार पत्थर हथौड़ा ऐसी कोई पिक्चर बनाने वाला था. फिर ऐसा चलता रहा. फिर इसने कहा मैं नेक्स्ट बनाऊंगा. फिर हमने दिल वाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी. उसके बाद फिर दिल तो पागल है बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी. फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्म मेरे साथ बनाता रहा और एक्शन फिल्म बनाई नहीं. अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तीन चार साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई. मुझे कहा अभी तू बॉडी बना ले. फिर जब ये अभी आए और इन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूंगा, जो पहला सीन है सिड और आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तू ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तू ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है. तो बोला उसने मुझे ये सीन सुनाया ना, फिर वो सुना के चला गया. फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है. फिर झूठ बोल रहा है ये. हाँ, ये झूठ बोल रहा है ये. इसका सीन ये है कि 5 सेकंड तू ये सोचेगा, 5 सेकंड तू तुझे ये सोचेगा, 5 सेकंड तू ये सोचेगा और फिर तू कहेगा सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते. और ये झूठ बोल रहा है, ये एक्शन पिक्चर नहीं बनाएगा. सो आई रियली 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 थैंक हिम कि 30 साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है. और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में, और वहीं पठान भी चल रही है. तो उसने कहा जिसका टिकट ना मिले दूसरी वाली देख लो. आए आए. तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है. और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूँ. तो आई होप ही टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स. आई होप सिड टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स. आई होप जॉन वर्क्स विद मी इन मोर एक्शन फिल्म्स. एंड दीपिका तो मैंने बताया, वो एक्शन मेरे साथ कर देना बस. वाह वाह वाह. अरे ये गाना तो फिर से कौन सा दीपिका के लिए कौन सा याद आ रहा है? एक गाना लास्ट है इसलिए एक गाना. लव मेरा हिट हिट सुनिए तू बेबी बड़ी फिट फिट सुनिए लव मेरा हिट हिट. दीपिका ऐसा तो बहुत गाने मेरे यार. 50 साल यशराज फिल्म्स के हो चुके हैं और इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म दी एंड रॉक स्टार डायरेक्टर हमारे साथ में है जिन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं जी. और आई थिंक जितने क्वेश्चन थे मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एक बात बोलना चाहूंगा जाने से पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि आप लोग मुझे इतना स्नेह इतना प्रेम इतनी मोहब्बत इतना प्यार करते हैं और मेरी अब उम्र भी ऐसी है 57 दैट आई कैन से थिंग्स टू यंगर पीपल एंड मेक देम बिलीव इन गुडनेस हैप्पीनेस. सिनेमा सिर्फ इसलिए ही होता है. हम लोगों से गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं. मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं बेटा, 2.5 मिनट बस निकल पड़ो. मेरी साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल पे बैठ के तेरे पास पहुंचा. बट टू बी ऑनेस्ट जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, सिर्फ हम नहीं, सब लोग जहां पे भी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, कौन सी भी भाषा में फिल्म बनाते हैं, आई थिंक सबका मकसद एक ही होता है कि वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, लव, काइंडनेस. Even when I'm playing a bad guy like Dar, even if I'm playing a bazigar, even if John is being bad in a film, none of us are bad. We are all playing characters to make you happy. If we say things in the film, none of them are meant to hurt any sentiment or anybody. It is just entertainment. मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ, आप लोगों के से मुखातिब होते हुए एक दूसरे से कितना मजाक कर रहा हूँ.
हालांकि मेरा किस बिल्कुल सच्चा था, मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, वो भी मुझे करेगा बाद में, बट वी लव ईच अदर, वी जोक विद ईच अदर, वी हैव फन विद ईच अदर. फन एंटरटेनमेंट शुड बी लेफ्ट एट दैट तबका, उसको उससे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. वी ऑल आर वन, देयर इज ब्रदरहुड, देयर इज नो सिस्टरहुड विद दीपिका, बट देयर इज ब्रदरहुड. ऑल ऑफ अस वी आर लविंग ईच अदर एंड ट्राइंग टू मेक दैट लव स्प्रेड. Just to tell you in a very simple manner, which I was talking in backstage and everybody believed me, this is Deepika Padukone. Ye Amar hai. Main Shahrukh Khan hu. Main Akbar hu. Ye John hai. Ye Anthony hai. And this is what makes cinema. Amar, Akbar and Anthony. There are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you. That's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के. हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़. कितने भी करोड़ हो जाएं, वो जरूरी नहीं है. ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको, आप उस फिल्म को देख कर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. And we have to keep our culture, our old stories, all that is seeped into this country, our beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. Nowadays they say, lol, I don't know what all, FOMO, all those words have to be utilized in our language to tell the old story again so they understand. So Pathan stands for that. I think Siddharth stands for that. Aditya Chopra stands for that. And we all in the team here and everywhere else who are following Aditya Chopra and Siddharth Anand, we all stand for that as a team, friends, co-actors and colleagues. So thank you, Siddharth. Thank you, John. Baad mein kis zarur karna mujhko. John ka koi aur gaana bata na mujhe. Kya hai? John ka koi aur hit gaana bata mujhe. कौन सा, टेल मी वन सॉन्ग ऑफ योर, कौन सा वाला मुझे. हाँ, माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला. सिट अ सॉन्ग फ्रॉम योर फिल्म. झूमे जो पठान. चलना चलना, वो तेरी फिल्म नहीं है. आप लोगों से कौन, एक सेकंड, आप लोगों में से कौन चाहता है कि ये झूमे जो पठान का स्टेप करे और कौन करे. अच्छा, मैं एक सिंपल बात बोलता हूं. देखो, आपने मुझे करते हुए देखा, मैंने ठीक किया. आपने दीपिका को करते देखा. लेट्स सी जॉन. जॉन और सिद्धार्थ को करते हुए नहीं देखा है आपने. जॉन ने इतना रिहर्स किया है बैक स्टेज पे, ये आप देखिए. लेकिन किसी को गाना पड़ेगा, हमारे पास गाना है. वन सेक, आई डोंट नो. शाहरुख खान इज गोइंग टू डांस विद दीपिका. He showed me the step at the back. He saying, John, simple hai, to ye kar, ye kar, ye kar, ye kar. I didn't understand anything. Wo bilkul mat kar. Dekh, ab mohabbat shuru ho gayi, to mera nachna bhi padega tujhko, John. And ye ho jaye. Aur Siddharth, I just want to tell you one thing we haven't said, actually we should have mentioned it. Jitna bhi film mein action hota hai, aur jo bhi dance step hota hai, scenes to of course director karke hi dikhata hai. Siddharth pehle karta hai, uske baad hum karte hain. To aaj bhi tamiz isi mein hogi. हमारी इनकी इज्जत अफजाई इसी में होगी कि पहले सिद्धार्थ सर लॉली वो डांस करेंगे और जैसे ही वो हमका हमारा मार्गदर्शन दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शक बनेंगे. एक एक शर्त पर, आप वो बेशरम रंग वाला स्टेप करेंगे. फिर मैं झूमे जो पठान करूंगा, बेशरम रंग का स्टेप आप करेंगे. मैं 100% करता दोस्त, लेकिन कपड़े ज्यादा पहने हुए हैं. हमें प्रॉब्लम नहीं है, बटन खोल दो. जॉन की निक्कर दे. बट थैंक यू एवरी वन. थैंक यू अनुराग फॉर बींग सो वंडरफुल. आई नो वी कैन कीप ऑन एंड ऑन बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्म. एंड बिलीव यू मी, दिस इज नॉट टू प्रमोट द फिल्म. ऑल ऑफ अस हियर बिलीव दैट. थैंक यू यशराज टीम एंड माई टीम एंड दीपिकाज टीम एंड जॉन्स टीम एंड सिद्धार्थ टीम. दिस इज जस्ट टू कम एंड से थैंक यू वेरी मच. And we can't ask for anything more than what you've already given. Thank you to media. Apologies, we haven't been able to meet you. Inshallah, we will meet again and again. Thank you to all the fans. Thank you to all the powers that be that has helped us release the film beautifully. And
above all thank you to God for looking after all of us or because no program should end without me saying a dialogue of the film. अब मेरे को ना जॉन से गुस्सा ही नहीं आ रहा है मुझे अब मैं उसकी तरफ कह ही नहीं सकता ये डायलॉग आई विल से टू दिस बिकॉज मैंने अब जॉन को देख के आई विल सी द सेम डायलॉग विद लव सुनो जॉन अगर पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा यार और पटाखे भी लाएगा वन पर्सन हु इज नॉट हियर आई थिंक ऑल ऑफ अस लव हिम मोर देन एनी वन कैन Bhai is not here. Thank you, Salman, for making this film so wonderful. I think the second best line in the film is "Painkiller hai chewing gum nahi." I think fantastic lines, and with so much love, sab karenge, beta, sab karenge. Aram se, sabr se kaam karo. Abhi, suno. Abhi to wapas aaya hu. Ab kahin nahi ja raha. Beta, baitho. Saalon tak bol. Aisa thodna hai. And the dialogue of the film, rightfully, Pathan ke ghar mein party rakhoge, to mehman nawazi ke liye Pathan to aayega, aur patakhe bhi laayega. Thank you very much.